हाय हेलो वेलकम टू पल्लेटूरु रुचुलु आज मैंने ये चैनल से आंध्र का स्पेशल रसम कैसा बनाना बताना चाहती हूँ। ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आप लोग भी ट्राई कर लीजिए, एकदम स्पेशल रसम मिल जाएगा। ये रसम ऐसा बना के हम लोग ने डेली फूड पे लिए तो हमारा रेसिस्टेंस पावर भी बढ़ जाएगा। ठीक है चलो देखेंगे ये रसम कैसा बनाना। रसम बनाने के लिए 1 कप धनिया चाहिए। ये धनिया को 50 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक रोस्ट करना पड़ता। इसका कलर चेंज होने तक रोस्ट करना विदाउट ऑयल। ये धनिया को मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर लीजिए, अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। ये रोस्ट होने के बाद बाजों पे रखना। बाद में 1/4 कप ब्लैक पेपर लेना है, उसको भी बिना ऑयल को ऐसा रोस्ट करना। वो भी बाजों पे लगाना। बाद में 1/4 कप जीरा लेना है, उसको भी रोस्ट करना कलर चेंज होने तक, वो भी विदाउट ऑयल। ऐसे 3 इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करके बाजों पे रख लीजिए। बाद में 1/2 स्पून ऑयल ले लीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद उस पर डालना है 4 to 5 रेड चिल्ली। उसके बाद मैंने जो वीडियो पे बता रहे ना वो भी डाल के फ्राई करना, मींस रोस्ट करना कलर चेंज होने तक। इसे सारा इंग्रेडिएंट्स को रोस्ट करने के बाद बाजों पे लगा के उसको थंडर करना। ऐसे ठंडी होने के बाद उसको मिक्सी पे डाल के पाउडर बनाना। यही पाउडर को हम लोग ने रसम पे यूज़ करेंगे। बाद में 1 कप दाल लेना है, उसको वाटर से वॉश करके पिंच ऑफ टर्मरिक एंड 1/2 स्पून ऑयल डाल के कुकर पे कुक करना। ऐसा हम लोग एक बाउल पे कोथमीर, ग्रीन पत्ता, 2 ग्रीन चिल्ली एंड 1 टमाटो सारा एक बाउल पे डालना है। एज पर टेस्ट साल्ट भी डालना है, गार्लिक ऐसा स्मैश करके डालना है। उसके बाद हम लोग पहले कुक किया ना दाल, उसका वाटर इस पे डालना है। वाटर निकालने के बाद दाल को जूस जैसा बना के इस पे डालना है और 1/2 कप टैमरिंड जूस भी डालना है और पिंच ऑफ गुड़ भी डालना है। रसम पाउडर पहले बनाया ना वो 1/2 स्पून इस पे ऐड करना है। ऐड करके पूरा मिक्स करना है। बाद में 1/2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर भी डालना है। ऐसा सारा इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके 10 टू 15 मिनट्स हाई फ्लेम पे बॉईल करना है। साइड पे हम लोग ने ऐसा टेम्पर करना है, क्यूमिन सीड्स, मस्टर्ड सीड्स, रेड चिल्ली एंड करी लीव्स पूरा डाल के ऐसा टेम्पर करना है। उसके पहले हम लोग रॉ कोकोनट पाउडर 1 स्पून डालना है। बाद में वो इंग्रेडिएंट्स को इस पे डालना है। इसे डालने के बाद हम लोग 5 मिनट्स तक हाई फ्लेम पे बॉईल करना है। बस उतना ही है, टेस्टी रसम बनाया। ऐसी रसम आप लोग भी घर पे बना के कैसे कैसे टेस्ट मिला आप लोग को
वो मुझे कमेंट्स पे बताना है। और ये वीडियो आप लोग को पसंद आ गए तो ये वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए।